वो प्रयोग मुझ पे कीजिए सर। नग्न होकर बैठना पड़ेगा। यस सर। बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे। यस सर। लोगों के बीच तुम नग्न हो ऐसी फीलिंग तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। यस सर। हमारे बीच लाइन क्रॉस करने जैसा कुछ भी नहीं है। आई नो, बचपन से हम दोनों साथ में पले बड़े हैं। हमारी दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचती थी मैं, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। तुम्हारे प्यार को नहीं पा सका, कोई अफसोस नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए जीना चाहता हूँ, बहुत लंबी उम्र तक जीना चाहता हूँ, चाहे वो इस धरती पर जान देकर या फिर तुम्हारे दिल में ही सही। आपको हम चाहिए या काइस? काइस। आपकी जान चाहिए या फिर काइस? चाहे तुम जितनी बार भी पूछ लो, मेरा जवाब यही रहेगा, काइस। तुम नहीं मर सकते हो, मेरे लिए जीना होगा। तुम्हारे लिए मैं दोबारा जन्म लूंगी, वादा करो। रुराणु बंध रूपेण पशुपत्नी सुतालया। इस जन्म में हमसे जुड़े हुए सारे बंधन पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, शास्त्रों में लिखा है। चुकी है, जाओ तुम अभी, जाओ यहाँ से। तुम अंदर क्यों आ रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? मेरे पास मत आना, टच मत करो। ऐसे टच क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं वर्जिन हूँ। कल भी यही बात बोली, परसों भी यही बात बोली, 10 दिन से यही मुसीबत है। अब नया क्या है लैला? नहीं हूँ। याद करो लैला, एक बार याद करो। मुझे याद आ गया मजनू, मैं ही लैला हूँ। इस लड़की का नाम है विनी, पिता है रामचंद्र जी, पॉपुलर साइंटिस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी। विनी जब 10 साल की थी तो इसकी मां राजलक्ष्मी विनी के भाई को जन्म देने के बाद चल बसी। Ah!
बेटी विनी, तुम्हारे गले में रुद्राक्ष किसने डाला जानती हो? मैं नहीं जानती पापा। तुम जब पैदा हुई थी ना, तुम्हें लेकर मैं और माँ श्री मंजूनाथ स्वामी के दर्शन के लिए धर्मशाला गए थे। वहाँ के वीरेंद्र हेड्डी नाम के स्वामी जी ने इस रुद्राक्ष को तुम्हारे गले में पहनाया। इसे कभी मत उतारना। उन्होंने बताया कि ये रुद्राक्ष जिसके पास रहेगा उसका हमेशा भलाई होगा। फिर तो ठीक है ना पापा, छोटू का तो भलाई होगा ना। तो ये तुम्हें नहीं चाहिए? इस रुद्राक्ष की जरूरत जब मुझे पड़ेगी तब किट्टू मुझे दे देगा पापा। लास्ट वन ओके। हाय विनी। हाय गौतम। गुड मॉर्निंग अंकल। हे गुड मॉर्निंग, आ जाओ बेटा गौतम। कैसे हो किट्टू? क्या खाओगे, इडली या वड़ा? इडली अंकल। गुड, ये लो। कल डॉन बॉस्को स्कूल में एनिवर्सरी के मौके पर लैला मजनू का नाटक हुआ था। कहानी के मुताबिक मजनू के किरदार के मरने पर लैला किरदार निभाने वाली अरे गौतम उठ जा कहते हुए गौतम को उठा दिया। मैं जिंदा हूँ कहते हुए गौतम उठ गया। गौतम उठो, गौतम तुम्हें क्या हुआ? गौतम विनी, ये ड्रामा है, उठना नहीं है। ऐसे आँख में आंसू लाने वाली कहानी ने सबको खूब हंसाया है। डैडी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे डैडी। ऐसा क्यों सोच रही हो बेटी? तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश होकर हंस रहे हैं। जिंदगी भर इसे याद करके वो लोग हंसते रहेंगे, तो हंसने दो ना उन्हें। कम ऑन, चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप, दैट्स द वे। हे गौतम, तुमने भी बहुत अच्छा किया। ये लो रखो। नहीं चाहिए अंकल। गिफ्ट है ये बेटा। नहीं चाहिए अंकल। तो फिर क्या चाहिए? मेरे भी आप जैसे पापा होते तो कितना अच्छा होता अंकल। ये लो चीकू खाओ। थैंक यू। गौतम, पुनर्जन्म वगैरह ऐसे कुछ होता है क्या? क्यों? कल जब मैं लैला का किरदार कर रही थी ना, तब मुझे ऐसा लगा कि पिछले जन्म में लैला मैं ही थी। तो फिर मजनू मैं हूँ। अरे पगली, ये कैसे उगेगा बेटा? उगेगा तो पकेगा कैसे? इसे रोज पानी कौन देगा ये तो बता। गाय बकरी से बचाने के लिए इसके आसपास पहरा कौन देगा? जाने दे बेटी, बेकार में हाथ गंदे मत कर, ले हाथ धो ले। अब इसमें से पेड़ उगेगा, फल देगा और फिर सबको खाने मिलेगा। मुझे यकीन है गौतम। मेरा बैग रेडी किया मम्मी? हाँ बेटा करती हूँ। पापा अर्जेंटली अमेरिका जा रहे हैं, एक बार घर आ जाओ ना प्लीज। बेटा विनी जल्दी आओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आ रही हूँ पापा। तुम आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ। अरे गौतम नाश्ता तो करके जा। विनी अमेरिका जा रही है, मुझे उसे मिलना है। अमेरिका? Thank you.
तो होता। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छा ना? ये किट्टू। और किट्टू कैसे हो? कैसा लगा हमारा मैंगलोर? सुपर्ब है गौतम। अंकल, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप कितनी छुट्टी लेकर आए हैं? कितने दिन रुकेंगे यहाँ पर? पापा ने जॉब से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली है। मतलब? जॉब से रिजाइन कर दिया है। अरे ये क्या अंकल, लोग अमेरिका जाके सेटल होते हैं और आप हैं कि यहाँ आके सेटल हो रहे हैं? इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पाला, पढ़ाया, मुझे खुद पर यकीन दिलाया। चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता, ये हिम्मत दी। इतना सब कुछ मेरे देश ने मेरे लिए किया है और मैंने देश के लिए क्या किया ये सोचता हूँ तो नथिंग। इसलिए अब मैंने सोचा है कि देश के लिए जरूर कुछ करूंगा। हाँ गौतम, हमारे लॉयर के पास ले चलो। ओके अंकल। प्लीज साइन द पेपर्स। रामचंद्र जी, आपकी सोच के मुताबिक वी हैव क्रिएटेड अ ट्रस्ट ऑफ 7,000 crores। इस ट्रस्ट के आप और विनी दोनों ही ट्रस्टीज हैं। ये लो, तुम भी साइन कर दो बेटी। रिसर्च की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स जो धन के अभाव में रिसर्च नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक मदद करना ही आपका संकल्प है। बेटा विनी, सारा पैसा ट्रस्ट के नाम कर दिया, ये बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं पापा, इनफैक्ट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। कहाँ लेकर जा रहे हो? Shut up. और कितनी देर आंख बंद करके बैठूं मैं? चुपचाप बैठो, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? अब तो आंखें खोलूं? जब मैं कहूं तब आंखें खोलना। अब अपनी आंखें खोलो। ये तो वही जगह है जब हम स्कूल जाते वक्त यहाँ बैठा करते थे। कितना बदल गया है ना सब। यहाँ बैठकर हम फल खाया करते थे ना। ये तो मैंने लगाया हुआ पेड़ है ना? हाँ बेटी। अरे चाची आप, इस लड़के ने गाय और बकरियों से बचाकर इसे पानी देकर इसकी निगरानी की और तुमसे बिछड़ने के बाद यहाँ रोज आया करता था। ये तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे क्यों मार रही हो, लगता है विनी। पापा, आप क्या सोच रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटी, तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या पापा? तुम्हें अपना रिसर्च कंटिन्यू करना होगा, ट्रस्ट को एफिशिएंटली चलाना पड़ेगा, किट्टू का भी ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं पापा? पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है मैं जल्दी तुम्हारी माँ के पास चला जाऊंगा। बेटी वादा करो बेटा, वादा करो। पापा आप यहाँ हो, चलिए ना पापा टेनिस खेलते हैं, टाइम हो रहा है। मैंने कैसा खेला आज? अच्छा खेला ना किट्टू? हाँ पापा। तुम बहुत अच्छा खेलते हो। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बैक हैंड।
बैक हैंड स्ट्रोक होता है ना, हाँ? उस पर ज्यादा कंसंट्रेट। पापा, लॉरी! दीदी। कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, he'll be all right. और पापा, I'm sorry. पापा, मैं किट्टू का अच्छे से ध्यान रखूंगी, सारे काम भी अच्छे से संभालूंगी, अपनी सारी लाइफ रिसर्च के लिए डेडिकेट कर दूंगी पापा। इट्स माय वर्ड ऑफ ऑनर। डियर स्टूडेंट्स, आई एम अशोक मल्होत्रा, योर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस। बिफोर वी टेक अप द क्लास, आई वांट टू शो यू हाउ वास्ट एंड हाउ डीप इज द स्पेस। They have crossed innumerable clusters of stars, binary stars, red chains, white dwarfs, black holes, galaxies. अब तक हमने 130 करोड़ सालों का सफर तय कर लिया है। ये ब्रह्मांड कितना विशाल होगा हमारी सोच से भी परे है। इतना सुंदर है ये, इतना सुंदर और अंतहीन कोई और है क्या? है, वो हमारे अंदर ही है, मन। ये हमारे भाव और जीवन का मूल कारण है। ये तरह तरह की ध्वनि से, रुचि से, सुगंध से इस सारे विश्व को हमें दिखाता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। कारण, रुचि, रंग, ध्वनि, स्पर्श, सुगंध कुछ भी नहीं है उसमें। सर, मन को जानने का कोई रास्ता नहीं है? है। स्वच्छ तालाब में एक पत्थर फेंकने से जैसे हलचल होती है, उसी तरह हमारे मन में आने वाले हर विचार भाव तरंग के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, टीटा वेव्स कहते हैं। इन सब के अलावा इसका एक मदर वेव भी होता है। अगर हम उस मदर वेव को देख पाए या उसे तौल पाए, तो उसकी मदद से हम हमारे मन के अंदर झांक सकते हैं। आप में से कभी भी किसी को भी अपने दोस्तों के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में सोचते वक्त अचानक से उस इंसान के पास से फोन आना या खुद उस इंसान का आ जाना, ऐसा कभी हुआ है? Yes, sir. Do you think it's a pure coincidence? No. It's not a coincidence. आप जब उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपके भाव तरंग उनके मन को छूते हैं। इसी वजह से उनका आपके पास आना या उनके फोन कॉल्स आते हैं। इन ब्रेन वेव्स के बारे में जानने से हमारा क्या फायदा होगा सर? A very relevant question. Everybody listen to it carefully. कोई भी इंसान उनके जन्म से हैवान या शराबी नहीं होता, लेकिन हालात की वजह से वो इंसान बदल जाता है। ऐसे इंसान के भाव तरंग को अगर हम देख पाए या तौल पाए, तो उसके मन की बातों को हम जान सकते हैं। उसके मन के भीतर हुए बदलाव को अगर हम पहचान पाए, तो उसके हालात को बदलने का मौका मिल सकता है। With this, we can find ways of treating any of the psychological disorders. इंसान के भीतर चाहे जितनी मानसिक बीमारियां हों, उसका इलाज हो सकता है। अल्कोहल, ड्रग्स, ऐसी चीजों से एडिक्ट हुए लोगों को वापस नॉर्मल किया जा सकता है। ब्रेन वेव्स को देख सकते हैं सर? नॉट टिल नाउ. But many of the scientists are doing a great deal of research to find such an instrument. Even I am working on the same thing. भगवान की दया से जल्द ही मेरी मेहनत रंग लाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। और ऐसा होगा भी। Thank you, thank you, thank you. इसकी हालत में काफी सुधार है।
विनी कहाँ हो तुम? मेरे पास आ जाओ विनी। कौन हो तुम? कहाँ हो? विनी? गौतम क्यों रो रही हो? मुझे अर्जेंटली तुमसे बात करनी है। हम जहाँ मिलते थे वहाँ आ जाओ। एंड्रिया इज माय क्लासमेट, शी इज अ लेस्बियन। क्लासरूम में मेरे साथ मिसबिहेव करती थी, किसी भी बहाने से मुझे फिजिकली हमेशा टच करने की कोशिश करती थी। कितनी बार भी समझाने के बाद समझती ही नहीं थी। प्रिंसिपल को बोला मैंने तो मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लग गया। पूरे क्लासरूम के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और उसकी वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। और मुझे लगा कि उससे मुझे छुटकारा मिल गया और वो पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गई है और घर पर आकर पागलों की तरह हरकतें करती है। देखा तो मार डालूंगा। हे गौतम, कब आए तुम? अभी आया। अब तुम्हें एंड्रिया से कभी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच गौतम। आई डोंट नो हाउ आई कैन थैंक यू एवर फॉर दिस। मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। गौतम क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? बताओ ना। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन क्यों? एक महीने से एंड्रिया तुम्हें परेशान कर रही थी और इतना टॉर्चर तुमने क्यों झेला? मुझसे क्यों छुपाया? अरे कल हमारी शादी हो जाएगी, तब भी मुझसे छुपाओगी? गौतम। सॉरी सॉरी, आई थिंक आई क्रॉस माय लाइन, आई एम सॉरी। नो गौतम, नो, इट्स ओके, रिलैक्स गौतम। हमारे बीच लाइन क्रॉस करने जैसा कुछ भी नहीं है। आई नो, बचपन से ही हम साथ में ही पले बड़े हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और प्यार शादी में, ऐसा मैंने भी बचपन से ही सोचा था। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो गौतम। लेकिन पापा के गुजरने के बाद उस पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। पापा से किया हुआ वादा मुझे निभाना है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ पापा से किए हुए वादे के अलावा और किसी के लिए टाइम नहीं है। मेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जाने वाली लेडी बैंक ऑफिसर के साथ प्रोफेसर अशोक मल्होत्रा ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने टीवी न्यूज तो देखा ही होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। बिफोर वी टेक अप द क्लास, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्सरे निकालते वक्त शरीर पर कपड़े जैसी चीज नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह ब्रेन वेव को करेक्टली मेजर करने के लिए कपड़े नहीं होने चाहिए। बगैर कपड़े के हैं इसका होश भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था।
मेरे बिना बुलाए अंदर आने वाले बैंक ऑफिसर्स कुछ भी नहीं समझ पाए और गलती से उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दी। ये सच है, मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। Now let's go back to the class। सर आपका हाथ ऐसे क्यों हिल रहा है? सब ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसी वजह से हुआ। इट्स ऑल राइट, इट विल बिकम नॉर्मल। एक्सपेरिमेंट है तो हम पे भी कीजिए सर। यस सर। नो गौतम, नो, बैठ जाओ। उसमें काफी रिस्क होता है, टोटली पैरालाइज हो सकते हो, पागल भी हो सकते हैं। यू कैन लिव अंडर डेथ। लेकिन सर इतना रिस्क क्यों उठा रहे हैं आप? क्या हुआ सर, क्या देख रहे हैं आप? मैंगलोर की फोर्ट में एक माँ थी, सिर पे पहाड़ जितना वजन और उस वजन को ना सहने वाले वो पैर, पेट में भूख, आंखों में आंसू, पूरे बदन पे पसीना, लेकिन अपने 10 साल के बेटे को पढ़ाने की तड़प थी। पैसों की खातिर उसने दिन रात काम किया और काम करते करते वो मर गई। जाते जाते अपने जवान बेटे से कहा, मेरे लिए रोना मत और हो सके तो मेरे जैसे जरूरतमंदों की मदद करना। उस लड़के ने यहीं पे अपनी डिग्री ली, उसने मास्टर शो किया, उस लड़के ने डॉक्टरेट हासिल किया, उसने प्रोफेसर की नौकरी 30 सालों तक की, लेकिन क्या हासिल कर लिया उसने? बैंक से लोन लेकर जब उसे चुका ही नहीं पाया तो अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन चला गया। मां की आरजू को पूरा नहीं कर पाने वाला वह बेटा, उसके लिए तो जीना मरना दोनों ही एक सवाल है। सर, क्या आपसे एक बात कहूं? कहो बेटी। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है ना? अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो सारे लोगों का, गरीब लोगों का, सबका भला होगा सर। अगर आपको कुछ हो गया तो इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करना किसी के भी बस की बात नहीं है। Do you have any solution? आप ये एक्सपेरिमेंट मुझ पे कीजिए सर। तुम्हें बिना कपड़ों के बैठना होगा। यस सर। तुम्हारे चारों तरफ लोग रहेंगे। यस सर। तुम बगैर कपड़े लोगों के बीच हो, ये फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। यस सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मेरी मां का नाम भी विनी था। एक्टिवेट इंटीग्रेटेड ग्राउंड नेटवर्क। मस्क्यूलर पीएच, ऑक्सीजन सैचुरेशन, SO2 लेवल्स। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, रेडिएशन, वर्कलोड, बॉडी टेम्परेचर एंड प्रेशर। विनी, वी आर मूविंग टू सेकेंड फेज। कुछ भी हो जाए डिस्कम्फर्ट मत होना, प्लीज लेट मी नो। ओके सर। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट अपने ब्रेन को कूल रखना। इनिशिएट स्टेज 2। सर, बॉडी फंक्शन रेड में तब्दील हो रहा है सर। विनी, तुम्हारी मेमोरी सेंटर अमिग्डाला में टर्न होने जा रही, प्लीज फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। दैट्स गुड। सर, ये अमिग्डाला क्या होता है? हमारे जन्म से पहले ही हमारी पेनफुल मेमोरीज को वो छुपा लेती है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो बीती बातों को याद दिलाकर बड़ा ही दुख देता है। मतलब उन्हें पिछला जन्म भी याद आ जाएगा? आ जाएगा, पुनर्जन्म हुआ तो। एक्टिवेट बॉडी वाटर डायमैग्नेटिक रिपल्शन।
इनिशिएट ब्रेन वेव एक्टिविटी। कैप्चर विनीज ब्रेन वेव एक्टिविटी एंड स्टोर इन अ न्यू फोल्डर विनी। Initialize normalization protocol. Fantastic, Vinny. Successfully, तुम्हारी brain wave की mapping हो गई। ये लीजिए सर। Thank you. सर, आपने इस ब्रेन वेव एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, सो प्लीज एक्सेप्ट दिस। आई कांट। प्लीज सर, मेरे पिताजी की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, सो प्लीज एक्सेप्ट दिस चेक। थैंक यू। विनी, आपकी मम्मी जी तो ठीक है ना? भाई का जन्म होते ही माँ चल बसी। ओह, आई एम सॉरी। जब डैडी और भाई के कार का एक्सीडेंट हुआ, तब से भाई बहुत सीरियस है, कोमा में है। क्या मैं एक बार तुम्हारे भाई से मिल सकता हूँ? श्योर सर। डॉक्टर, इज देयर एनी वेरिएशन इन द ईसीजी? देयर इज नो वेरिएशन फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। सर, ब्रेन वेव के द्वारा मेरे भाई का कुछ इलाज हो सकता है क्या? यस विनी, द न्यूरॉन एक्टिविटी इज डन। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी कैन इंक्रीज इट। लेट्स गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सर। थैंक यू विनी, तुम्हारे भाई के थॉट वेव को एनोमॉर्फिक सेरेब्रोग्राफ में फीड कर रहा हूं। नाउ इट्स गोइंग ऑफ द एनसेफेलिक विंग नेक्सस। ब्रेन की बात बाहर जाए दिए बिना उसे डराता है। गौतम सर, फीड विनीज ब्रेन वेव्स। ये सेराब्रोसिस मेक बायोसेंसर ग्लव्स हैं। हाथों से तुम्हारे ब्रेन वेव को मैनिपुलेट करके किट्टू के वेव साइज में लेकर आओ विनी। अब उसे ओवरलैप करो। दैट्स गुड। अब किट्टू की ब्रेन वेव तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम किट्टू के ब्रेन में एंटर हो चुकी हो। कॉल हिम। उठो किट्टू। किट्टू के दिल के अंदर से मैंने बचपन में गाई हुई लोरी मुझे सुनाई दे रही है। जन्म लेने के बाद देखा हुआ सुना हुआ सबकॉन्शियस के जरिए ब्रेन में रजिस्टर होता है। जैसे ही छोटे भाई को बुलाती हो, उसके ब्रेन के सारे मेमोरीज उसे याद आ जाते हैं। अब तुम उसकी ब्रेन वेव हो। अब उसके माइंड को इंस्ट्रक्शन दो। मैं अपने हाथ हिला सकती हूँ। हाथ हिल रहे सर।
मैं अपने पैर हिला सकती हूँ, पैर भी हिल रहे सर। थैंक यू सो मच सर। किट्टू फर्स्ट सेशन में इतना काफी है। सेरेब्रोक्रेनियल नर्व्स को एक्सटर्नल मैनिपुलेशन की आदत धीरे धीरे डालनी होगी। बाय द वे मैं कल यूएसए जा रहा हूँ, 15 दिनों के बाद आऊंगा, तब कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, आई विल वेट। सर मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ाऊं? थैंक यू। सर गौतम मेरी बहुत हेल्प करता है सर। विनी तुम गौतम को पसंद करती हो ना? ये बात गौतम से पूछिए सर, वही आपको बताएगा। सिर्फ मेरी पसंद ही नहीं, मेरी जान है वो। क्या है? मेरा प्यारा दोस्त। हाँ हाँ ठीक है, अब घर कैसे जाओगी? लो मेरी गाड़ी ले जाओ। थैंक यू। देर में जाकर आऊं मजनू? विनी, विनी, इतनी उदास क्यों हो? पता नहीं कैसे हर रोज मेरे घर पे कोई आता है और सेक्स करता है मेरे साथ। पहले मैं उसका विरोध किया करती थी, लेकिन बाद में मुझे भी वो एहसास अच्छा लगने लग गया। मुझे लगता है कि मैं एक धंधे वाली से भी कई गुजरी हो गई हूँ। मैं अपने ही नजरों में गिर चुकी हूँ गौतम। एक मिनट रुको, मैं प्रोफेसर को कॉल करता हूँ। शिट, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। From the past few days, I tried many times. Same answer. प्रोफेसर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये उसी का इफेक्ट होगा। Don't worry. No. I wish it was true. ये क्या है? मेरे पास जो रात में आता है उसका ये ब्रेसलेट है। कल रात ही टूट गया, आज सुबह मुझे बेड पे मिला। इसके ऊपर जो लिखा है उसका मतलब है मजनू। वो हर वक्त मुझे लैला के नाम से बुलाता है। मैं पागल होते जा रही हूँ गौतम। I feel like dying. ये क्या पागल बने? हर रात वो कितने बजे आता है? 12 o'clock. आज मैं उससे पहले आऊंगा। अगर तुम सपनों में होगी तो तुम्हें जगाऊंगा। अगर कोई भी सच में आया तो उसे जान से मार दूंगा। हेलो, हेलो,
मजनू। हेलो हेलो, हु इज इट? हेलो हेलो, हु इज इट? स्पीक डैम इट, हु इज इट? हु इज इट? दरवाजा खोलो। गौतम, क्या हुआ? गौतम अंदर, बचाओ गौतम। लेकिन हुआ क्या? नहीं गौतम, अंदर है क्या? विनी मुझे छोड़ दो प्लीज। और ये मुझे बच के नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। वो हमें बचा लेगा गौतम प्लीज। गौतम चलो चलो जल्दी। लैला, 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 बिना तुम्हारे प्यार के ये पुनर्जन्म किस लिए लैला? इस खंजर से मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो लैला, लैला। प्यारे गाइस, मेरी लैला से मोहब्बत करने का तूने जुर्म किया, बहुत बड़ा जुर्म किया। अभी तक तूने जो भी सजा काटी है
वो एक रेत के जर्रे के बराबर थी। अभी जो तेरी सजा बाकी है वो एक रेगिस्तान के जितनी है। मरने के पहले कोई आखिरी आरजू हो तो बता दे। जहां पना मेरे लफ्ज उनकी जुबां हो जाती है तो सारी तकलीफ खुशी में तब्दील हो जाती है, नर्क भी स्वर्ग में बदल जाता है, ये जहन्नुम भी जन्नत बन जाता है। मेरी आरजू पूरी कीजिए जहापना, इजाजत दीजिए जहापना। क्या जहन्नुम भी जन्नत बन सकता है? क्या है वो, बोल। लैला, खत्म कर दो इस बदमाश को। गाइस, गाइस, गाइस। बेगम साहिबा, आपको हम चाहिए या काइस? काइस। आपकी जान चाहिए या फिर काइस? काइस। लैला, बेगम साहिबा, सोच के बोलो। चाहे जितनी बार भी पूछ लो, मेरा जवाब वही रहेगा। लैला, 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 काइस। छोड़ दो उसे। जीना मरना सिर्फ तेरे साथ। काइस, तुम अपनी जान मत देना। तुम मेरे लिए जियोगे, मैं दोबारा जन्म लूंगी, वादा करो। मैंने अपने मजनू की जान ले ली, कितना गलत किया मैंने। एंड्रिया, तुम्हें याद है ना? विनी, विनी, ए छोड़ दे कमीने, दरवाजा खोलो। विनी, 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 तुम डरो मत, ये कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज डोंट हिट हिम, प्लीज डोंट, प्लीज, प्लीज, गौतम, गौतम, प्लीज इसे छोड़ दो, गौतम, गौतम, गौतम। मिनी,
विनी। गौतम। विनी। भाई साहब लगते हैं। रानी क्या बात है, आजा आजा। म्यूजिकल नाइट बहुत अच्छी थी ना सुधा? हाँ बहुत अच्छी थी। हेलो थोड़ा पानी पी लो आराम से कुछ नहीं हो। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, मैं मेयर सुधा रानी बात कर रही हूँ। मैं काली पहाड़ी के पास हूँ, एक लड़की के साथ यहाँ रेप अटेम्प्ट हुआ है, आप जल्दी यहाँ जाइए। बास्टर्ड्स, इन लोगों ने नहीं किया। कौन थे वो लोग? वो तो वहाँ पर। अब तुम्हारा नाम क्या है बेटी? विनी। नहीं नहीं लैला, नहीं नहीं। किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? वो एंड्रिया दीदी। नहीं गाइस, दीदी गाइस, एंड्रिया में बदल गया दीदी, अपनी मर्जी से जाने लगी थी। मजनू अच्छा लड़का है दीदी, वो बुरा लड़का है, वो बहुत बुरा लड़का है। गौतम को मार के वहाँ फेंक दिया दीदी। डर मत बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, पुलिस अभी आ ही रही है। ये क्या किया तुमने? He's the one who raped me. He's the one. सुधा, सुधा, सुधा। एक पागल लड़की, पैदाइशी अंधा है मेरा पति, तेरा रेप कैसे कर सकता है? इसे ले जाकर पागल खाने में डाल दो। देखा तू जाओ से। इस लड़की के नाखूनों में जो खून मिला है वह इसी लड़की का है। इस लड़की के बदन पे जो घाव है इसी ने खुद किए हैं, किसी और के नहीं है। ये लड़की वर्जिन है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैं वर्जिन हूँ, कहा कि मेरा किसी ने रेप नहीं किया, लेकिन जिसने मेरा रेप किया मैंने उसे देखा। मैं सच कह रही हूँ, उसने तुझे भी मारा था, फिर कैसे डॉक्टर से? विनी, मेरी बात का विश्वास करोगी? तेरी हर बात सच है, उसने मुझे भी मारा था, मुझे बांध कर रखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, कसम से। गौतम,
कल रात को एंड्रिया भी आई थी ना, तो वो मैंगलोर से कैसे आई? नहीं आई। नहीं, वो अब बहुत दूर जा चुकी है, दोबारा नहीं लौटेगी। हेलो प्रोफेसर सर। यस विनी। सर वेयर आर यू? आई एम स्टिल इन अमेरिका। सर आई एम ट्राइंग टू कॉल यू फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। व्हाट हैपेंड विनी? सर हर रोज मेरे साथ कोई सेक्स कर रहा है सर, और डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है कि मैं वर्जिन हूँ सर। मेरा पूरा घर डैमेज हो गया है, लेकिन कह रहे हैं कि कोई अंदर नहीं आया है। आई कैन अंडरस्टैंड, डेफिनेटली इट इज अ वर्ल्ड ऑफ डेविल्स। डेविल्स होते हैं सर? यस, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड साइंटिफिक नॉलेज। भूत की सच्चाई को हम ठुकरा नहीं सकते, साइंस इसे माने या न माने, हमें उन बातों पर यकीन करना ही होगा, बेशक करना होगा। अब मैं क्या करूं सर? मैंगलोर में मेरी पहचान की एक तांत्रिक है, उनका नाम है माता भैरवी। वो भूतों से बातें करती है, इस तरह की बीमारियों का वो इलाज भी करती है। मेरा नाम लेकर उससे एक बार मिलो भी नहीं, हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए। प्रोफेसर मल्होत्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें कोई अलौकिक शक्ति सता रही है, वो कौन है, क्यों सता रही है, जानने के लिए कहा है, यही बात है ना? यस मैम। अपने दोनों हाथ इस पर रखो। जो तुम्हें इतना सता रहा है उसे इसमें आने की कामना करो। अब मैं शैतानों के साथ उनकी भाषा में बात करने जा रही हूं, आप डरना मत। ये अपना नाम एंड्रिया बता रही है। एंड्रिया भूत किस लिए बन गई? ये बता रही है कि गौतम ने इसकी हत्या की है। वो तुम्हें सता रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इसलिए मार दिया। लेकिन एंड्रिया को मैंने मारा, विनी को क्यों परेशान कर रही है? विनी को सुई से छूंगी तो गौतम को खंजर चुभाने जितना दर्द होगा, इसलिए विनी को तकलीफ दे रही हूं ऐसा कह रही है। उसे जो कुछ भी चाहिए मैं उसे दे दूंगी, फिर वो मुझे छोड़ देगी ना, प्लीज पूछिए ना प्लीज। तुम्हारी जान, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसे।
इतनी सीरियस क्यों हो गई तुम? मैं एंड्रिया से दूर रहना चाहती थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उसे इस दुनिया से ही दूर भेज दो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था गौतम। मैं तुम्हें बताना चाहता था। जो करना था कर चुके हो, मुझसे बात मत करो। तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए उसका मर्डर कर दिया? आई कांट डाइजेस्ट। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गेट आउट विनी, गेट आउट। My sweetheart, उठो ना। मैं दिखाई नहीं दे रही हूं ना, यहां हूं मैं। आज बहुत अच्छे मूड में हूं मैं जान। नारियल पानी पियोगी? तुम भी मूड में आ जाओगी। आधी रात को पीने से जोश बढ़ता है। पियो ना। कहो तो मैं ही तुम्हें पिला दूं। पियो ना। अच्छा मैं ही पी लेती हूँ। जाओगी जान, मुझसे कितना दूर जाओगी? मैं हर जगह तुम्हारे पीछे आऊंगी विनी। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी तुम? हाँ, कहाँ जाओगी? I will not leave you. I want to sleep with you. Leave me, Andrea. I won't leave. No, please. लगता है एंड्रिया अपनी दुनिया में लाई है। कहीं से तो उसकी आवाज सुनाई दे रही है। गौतम! गौतम!
वो नहीं बचेगा। गौतम उठो। बगैर कुछ नहीं कर सकती हूँ गौतम, अब मैं और इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज गौतम। अब मुझे क्या कहना होगा? अब मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ। मैं मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ। सबके सामने बदनाम हो चुकी हूँ। सबके सामने बदनाम हो चुकी हूँ। शादी करके मुझे अपना लो। शादी करके मुझे अपना लो प्लीज। क्या बोलना है और क्या बोलना है? सुनो गौतम, मैं पूरी पागल हो गई हूँ। सुनो गौतम, मैं पूरी पागल हो गई हूँ। सुनो गौतम, मैं पूरी पागल हो गई हूँ। मेरी पूरी जायदाद तुम अपने नाम कर लो प्लीज। मेरी जायदाद तुम अपने नाम कर लो प्लीज। मेरी जायदाद तुम अपने नाम कर लो प्लीज। प्लीज 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 प्लीज। सेव मी गौतम। सेव मी गौतम। Save me, Gautam. Save me. Save me. Save me. देखा विनी, कैसे मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा हूँ। ए चंदा, चलती है क्या? कितना लेगी? 200 रुपए। चल अंदर जाके बैठ। आजा 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 मेरी जान। पता है गौतम, मेरी ऐसी जिंदगी का कारण कौन है? वो है, वो रामचंद्रा। वो मेरा क्लासमेट था, प्यार करता था मुझसे, शादी करने वाला था, मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह घूमता था। ठीक शादी के दिन ही उसे मेरी जिंदगी की सच्चाई पता चल गई कि मैं धंधे वाली हूँ, और उसने शादी से इनकार कर दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मैंने उसे कहा भी कि मैं उसके अलावा किसी और के पास नहीं जाऊंगी, पर वो नहीं माना। मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। मैं 12 साल की थी। माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जिंदगी कैसे जी रही थी उसे क्या पता। भूख मिटाने के लिए खाना, बदन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर कौन देता है? इस घर के मालिक ने सब दिया और मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया। इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या उसमें? शादी तो हो ना पाई, लेकिन उसकी गालियाँ आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वही इस सब का कारण है। आखिर मैं एक धंधे वाली बन गई हूँ। दिल में एक गुस्सा है, रामचंद्र से बदला लेना है। भगवान, मेरा बदला लेने वाला मुझे एक बेटा दे, एक बेटा कहकर भगवान के आगे गिड़गिड़ाती थी, और भगवान ने तुझे दे दिया। अरे गौतम, तू उसका बेटा होना चाहिए था।
उसकी सारी जायदाद तेरी होनी चाहिए थी। उसकी जायदाद अपने नाम करोगे, वादा करो। और उसकी बेटी को भी मेरी तरह धंधे वाली बनाओगे, वादा करो। वादा करो। माफ करना माँ, तेरे जीते जी मैं ये काम नहीं कर पाया। हाँ विनी, मैंने एक फैसला किया है। क्या है वो? आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके ना? तुम राजी हो तो मैं भी राजी हूँ। प्रोफेसर सर, आप मुझसे और कितने पाप करवाओगे? हाउ कैन आई रिडीम माई सेल्फ? हाँ किट्टू, मैं गौतम से शादी कर रही हूँ। गौतम बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। दीदी, 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 दीदी। इस रुद्राक्ष की जरूरत जब मुझे पड़ेगी तब किट्टू मुझे दे देगा पापा। थैंक यू किट्टू। पीजे सर, सर आखिर क्या हुआ आपके साथ? गौतम से मिलकर उस दिन एयरपोर्ट गया था ना मैं? जी सर। रास्ते में गाड़ी रोककर एक बार हमारे घर आओ कहकर अंदर ले गया मुझे। मुझे टॉर्चर किया बेटी, भूख लगने पर मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। पानी, पानी, ब्रेन वेव मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं सिखाने को कहा और मैंने सिखा दिया। ये बुढ़ापा, उसके टॉर्चर के आगे नहीं टिक पाया मैं। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर देना बेटी। ऐसा मत कहिए सर। हकीकत में मेयर का पति एक अंधा इंसान है बेटी, लेकिन उसके रूप को एक अच्छे इंसान की तरह तुम्हारे दिल में प्रवेश करवाया उसने। बार बार उसके साथ सेक्स करने की तरह महसूस करवाया उसने। पिछले जन्म में तुम लैला थी, वो मजनू था कहकर यकीन दिलवाया। बार बार सेक्स करना है ये तुम्हारी ही जुबान से कहलवाया ताकि तुम्हें अपने आप से धीरे धीरे नफरत हो जाए। ब्रेसलेट को बेड पर डालने वाला वही था बेटी। घर में सारी तोड़ फोड़ उसी ने की थी। फर्नीचर टूट जाने की तरह महसूस करवाया उसने। मेरी वॉइस को इमिटेट करके तुमसे बात की। भैरवी ने भी पैसों के लालच में आकर उसके मुताबिक ही काम किया। तुम्हारी ही जुबान से उससे शादी कर लो कहलवाकर
तुम्हारी सारी जायदाद लिखवा दो कहलवा कर बुलवा लिया उसने। मल्होत्रा सर, यू आर माई गुरु, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू मैरी विनी सर, आफ्टर माई फर्स्ट नाइट यू कैन हैव हर फॉर द सेकेंड नाइट। आई वोंट लेट एनीवन टच हर, आफ्टर यू टच हर आई विल किल हर। हे भगवान, इट्स माई वर्ड ऑफ ऑनर सर। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ वही है। हेलो, मैं डॉक्टर कमला बोल रही हूँ। आपके भाई को होश आ गया है, अब जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। किट्टू, मैं आके नहीं खोलूंगा। अगर मैंने आके खोले तो गौतम मुझे मार देगा। मैं हूँ विनी दीदी। दीदी, तुम भी आंखें बंद करके यहाँ लेट जाओ। आंखें खोलोगे तो गौतम तुम्हें भी मार देगा। दीदी, कुछ देर पहले ही होश आया है, तब से ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। मैं आंखें नहीं खोलूंगा। अब हम क्या करें? किट्टू किसी से डर रहा है। हम इसे अपने लैब में ले जाकर इसके दिल में क्या है ये पता लगाते हैं। Find out why he is afraid of Gautam. से बच के नहीं जा पाओगे। गौतम, दीदी, सर, मेरे पापा को गौतम ने मारा है। किट्टू ने देखा है सर। विनी, तुम्हारा भाई कोमा से जरूर बाहर आएगा, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह पल पल डरते हुए जिएगा। इसलिए गौतम का मरना जरूरी है, बहुत जल्द। कैसे सर? The only way is for you to kill Gautam. You must kill Gautam. दीदी! किट्टू! मिनी, तुम किट्टू को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हो सके तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। मुझे मारेगा। मुझे मारने को कहता है। अंदर कहाँ जा रहे हो? ए, चलो बाहर। अरे बोला ना बाहर जाओ। Ah!
विनी जिस तरह गौतम ने तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें टॉर्चर किया था तुम्हें भी वही करना होगा। एट ए टाइम किट्टू और गौतम दोनों के दिमाग को तुम्हें कंट्रोल करना होगा। किट्टू के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें हिम्मत से सामना करते हुए गौतम को खत्म करना होगा। गौतम के माइंड को इस तरह कंट्रोल करना होगा जैसे वो खुद अपनी जान ले रहा हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। दोनों के दिमाग को एक साथ कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। उसके लिए विपरीत कंसंट्रेशन चाहिए। जब तुम पानी में रहोगी तभी मुमकिन हो पाएगा। एक बार तुम पानी में घुसकर दोनों के दिमागों को कंट्रोल करना शुरू करने के बाद काम खत्म किए बिना बाहर आई तो दूसरा पड़ाव पार नहीं कर पाओगी। कॉन्सेंट्रेट, होल्ड योर ब्रेथ। वहां देख छोटू, कोई हवा में पागलों की तरह हाथ चला रहा है। धैर्य से दीदी आजा, मरना है तो साथ में ही मरेंगे। दीदी संभल कर दीदी। गौतम अभी मरा नहीं है। अगर वो मरा होता तो ब्रेन वेव हवा में मिल जाती। पता नहीं वो बहुत ज्यादा डर रहा है। किसी से डर नहीं है दीदी। लाली, लाली।
बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, हर गम के पीछे एक खुशी भी होती है। अशोक मल्होत्रा जी के परिशोधन का दुनिया के सभी बड़े देशों ने सम्मान किया और इस वजह से वो दौलत शोहरत वाले बन गए।